नई रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं कचालू, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम छोटे वाले आलू से आलू चाट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 5 आलू लिए हैं और आधा कटोरी दही लिया है। अब इसे एक बड़े बॉल में निकाल लेंगे। हमने एक बड़ा बोल लिया है और सबसे पहले हम आलू को इसमें काट लेंगे। आलू को हमें स्लाइस में ही काटना है। हमने सभी आलू को स्लाइस में काट लिया है। आज हम दो तरह से कचालू बनाएंगे। तो पहला हम दही का कचालू बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 5 आलू लिए थे और 1 कटोरी से कम दही लिया है। अब इस दही को हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। हम काला नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, 1 चुटकी के बराबर हम गोलकी पाउडर डालना है, 1/2 चम्मच हम मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार हम नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये कचालू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे घर में इसे बराबर बनाया जाता है। हम दो तरह के कचालू बता रहे हैं, दोनों हमारे घर में बराबर बनाया जाता है और बच्चे से लेके बड़े तक सभी को बहुत ही पसंद आता है। इसके साथ ही हम इसमें 1 छोटी चम्मच कटी हुई फ्रेश धनिया मिलाएंगे। अब धनिया पत्ता अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं। ये हमारी दही की कचालू तैयार हो गई। देखिए, हम एक छोटे से बॉल में इसे निकाल रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने इस तरह का बनाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। पुदीने से गार्निश करेंगे। लग रही है ना, एक मस्त बिल्कुल चटाकेदार कचालू। हमारे घर में इसे आलू कच बोला जाता है, लेकिन बाहर में इसे कचालू बोला जाता है। इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब चलते हैं दूसरे तरह की कचालू बनाने और इसे साइड में रखते हैं। मैंने एक बोल लिया है, 6 आलू लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, ये पहले से 2 घंटे पहले उबाले हुए आलू हैं। इसी से हम बना रहे हैं। इसे भी हम स्लाइस में काटेंगे। इस तरह से हम स्लाइस में काटेंगे। इसी तरह हम सभी आलू को काट लेंगे। हमने सभी आलू को काट लिया है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच काला नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, दरदरी कूटी हुई धनिया डालेंगे, 2 छोटी चम्मच डाला है। पहले हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इमली मिलाएगी, लेकिन हम बाहर की तरह इमली नहीं डालेंगे। ये हमारे घर में बराबर बनाया जाता है, तो बच्चे लोग को इमली खराबी करता है, इसलिए हम इसमें इमली नहीं डालेंगे। इसकी जगह हम नींबू का अचार, जो हमने पानी से नींबू का अचार बनाया था, इसकी भी रेसिपी चैनल पर डाली हुई है। आप चाहें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत हेल्दी अचार है। इसके जैसा हेल्दी अचार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पानी से तैयार किया हुआ नींबू का अचार है। इसी का जूस हम डालेंगे कचालू में। तो इसे हम पहले जूस को निकाल लेते हैं। इस जूस से बहुत ही टेस्टी आलू चाट बनती है। हमने इस नींबू के अचार का जूस निकाला है। देखिए, ये बहुत ही हेल्दी है, इसलिए इसी जूस का बनाते हैं। आप भी जब भी बच्चों के लिए बराबर बनाएं तो इसी जूस का बनाएं। इमली बच्चों को बहुत ही खराबी करता है, इसलिए इमली से ना बनाएं। तो अब हम इस कचालू में ये नींबू का रस डालेंगे।
आपके पास ये जूस नहीं है तो आप इसकी जगह इमली डाल सकते हैं। 2 चम्मच हमने लिया है और इसी के साथ हम 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। दो चम्मच हमने पानी डाला है और 2 चम्मच उबली हुई चना डालेंगे। ये मार्केट में इसी तरह का मिलता है। 2 चम्मच उबली हुई चना डालेंगे और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार देंगे। हमने इसमें 1 हरी मिर्च लिया है, पतले पतले स्लाइस कर लिया है और 1 चम्मच धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। क्या मस्त बनी है देखिए, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा इसका टेस्ट खाने में लगता है। नहीं भी भूख है तो भी ये खाना ज़रूरी है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें हमने सिर्फ काला नमक डाला है, वाइट नमक नहीं डाला है, क्योंकि ये जो हमने नींबू का रस डाला है अचार का, उसमें वे नमक से ही बना हुआ है, इसलिए नमक अलग से डालेंगे तो तेज हो जाएगी, खाने में स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सादा नमक नहीं डाला है। अब इसे अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। अब ये परफेक्ट आलू चाट बनके तैयार हो गई है। देखिए इसे भी हम एक छोटे से बोल में निकाल लेते हैं। मैं आलू धनिया चाट की भी रेसिपी डाली हूँ, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। क्या चटपटी चाट बनी है। इस तरह का कचालू बनाएंगे तो आपका मुँह का स्वाद बदल जाएगा और बहुत ही फ्रेशनेस महसूस करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए। इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और ऊपर से हम सेव डाल देंगे। देखिए कैसे लग रही है, लग रही है ना एकदम चटपटी कचालू। अब हम दोनों कचालू को एक साथ दिखा रहे हैं। ये आलू चना के कचालू है और ये दही वाली कचालू है। इस प्लेट को हम सलाद से गार्निश करेंगे। देखिए आपको कैसी लग रही है, लग रही है ना एकदम परफेक्ट कचालू। हमने 2 तरह का कचालू बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब के लिए थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।